पूरा पूरा बोर्ड आ रहा है देख लो, है अलायंस देख लो बेटा। ठीक है आइए बेटा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सुनना सुनना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमेशा होती है किसी ना किसी एसिड की उपस्थिति में। इन एसिड का काम है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करना। क्या तुमने घर पर कब प्रैक्टिस करके देखा था, रफ कॉपी पे लिखकर सब किया था? नहीं किया तो बेटा तो आप जानिए। सुना बेटा, हम लोगों ने जब मैकेनिज्म देखी, एक कॉमन मैकेनिज्म मैंने आपको बताई, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है तो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ये साला एरिनियम आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, फिर भी ये बेंजीन से लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया है। तो अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ये H प्लस को लूज करता है और वापस से एरोमेटिसिटी को गेन करता है। तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल ही अंदर आया और H प्लस के रूप में इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमारे छात्र बोलेंगे हैलोजिनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, अब ना बोल पाओ लप्पल मार देंगे। नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO। सल्फोनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनियम आयन या SO3, इसमें लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटायन। और एसाइलेशन में एसाइलियम आयन। बेटा क्या होता है? बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने के लिए आप कोई भी ऐसा मिक्सचर ले सकते हो जो कार्बोकेटायन को जनरेट करे। कौन कौन से? एल्किल क्लोराइड विद ल्यूस एसिड, एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। गॉट इट? गॉट इट? बेटा जब ये हो गया, अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम बेंजीन पर ऐसा क्या लगा दें कि ऐसे कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे ही ना? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप? क्या दूसरे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देंगे? दूसरे देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर है? अच्छा बेटा जल्दी से बता दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये तो आपने बता दिया लाइक फेवर लाइक। क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम? प्लस आर इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजेगा तो बेंजीन पे चार्ज, जब बेंजीन पे माइनस आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक तेज हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों हाँ या ना? चलिए बेटा आज की क्लास है, बेटा आज की क्लास का हमारा पॉइंट है ओरिएंटेशन। अब बिल्कुल साउंड नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेटा हमने मना किया ना, बहुत बातें हो चुकी। टाइम हाथ में क्या लगा के आए थे सर? हाथ में क्या लगा था? अभी दाग छोड़ गया तुमको है? चलिए देखिए, तो ओरिएंटेशन इन, अरे यार तुम यार भाई यार, अरे
है, कोई बात नहीं, चलो कोई हो, कोई बात नहीं। तो ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, देखिए मतलब क्या, मतलब बेटा ये है कि हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब जिस पर कोई ग्रुप लगा है, क्या लगा है, ग्रुप, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया। अच्छा भाई, इसके ऊपर बेटा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया। कहने का बेटा मतलब ये है कि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने आ रहा है, ये पहले से मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इन पांच में से किस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, ये हमें पता करना है। बहुत ही आसान है, ये कहां पर अटैक करेगा ये डिपेंड करता है इस ग्रुप का नेचर क्या है। जैसे अगर बेटा ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, बेटा बोलो क्या हो, मेरे बच्चे जानते हैं जितने भी प्लस आर ग्रुप होते हैं दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। तो अगर बच्चा ये ओपीडी ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा। जानते हो बच्चों यूजली हमको दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, यूजली बच्चों हमें दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। ओके अच्छा लिख लीजिए बेटा, लिखा जरूर करो, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा बच्चों हमें और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। और बच्चों अगर ये जो ग्रुप आपने लगाया था अगर ये ग्रुप हो जाए मेटा डायरेक्टिंग, ऑल माइनस आर ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा ये उसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। यहां पर आपको हमेशा सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, दैट इज मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके बेटा चल, ओके चलिए बेटा खड़ी हो जाइए, तुम खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये पूरी क्लास आपसे ये जानना चाहती है कि ओपीडी लगने पर इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक किया और एमडी लगने पर इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पर ही अटैक क्यों किया। या क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि ओपीडी को ओपीडी क्यों कहते हैं और एमडी को एमडी क्यों कहते हैं, बताइए, सोचिए, बताइए, हमारे सवाल समझ में आया कि आखिरकार इसकी उपस्थिति में इसने यही अटैक क्यों किया और इसकी उपस्थिति में इसने यही अटैक क्यों किया। हम सब पढ़ा चुके हैं, आपको आता है, सोचिए। अच्छा बड़ी बात बताओ, ओपीडी का मतलब प्लस आर, जो इलेक्ट्रॉनों को, तो तुम बताओ बेटा जब ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजेंगे तो किन किन कार्बनों पे माइनस चार्ज आएगा, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि रेजोनेंस में कभी मेटा पोजीशन इन्वॉल्व नहीं होती। जब ये बच्चा इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा ना तो इस पर और इस पर ही तो निगेटिव आएगा, और जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो इस पर और इस पर पॉजिटिव आएगा। इसीलिए देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा उस स्थान पर अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, यहां पर मेटा की तुलना में ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है
और यहां पर ऑर्थोपैरा की तुलना में मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये अटैक करेगा मेटा पर और ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा। देख कैसे छोटी सी बातों को कितना समय दे के बताते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है बैठिए। ओपीडी का मतलब होता है प्लस आर ग्रुप और एमडी का मतलब होता है माइनस। ओके अच्छा, और ये तुम लोग कल ही देख चुके हो हमसे कि ऑल प्लस आर ग्रुप आर रिंग एक्टिवेटिंग एक्सेप्ट हेलोजन। यार ना याद है तो वो भूल खराब करो यार, बोलो यार भाई। इनकी उपस्थिति में रिंग पर निगेटिव आता है ना तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तेज हो जाता है, इसलिए द ऑल आर कॉल्ड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजन, क्योंकि हेलोजन प्लस आर होने के बावजूद भी रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है, उसके कारण रिंग पर प्लस चार्ज आता है। कुछ याद है कि नहीं? क्लियर? चलो, तो अगर ओपीडी ग्रुप लगा होगा तो अटैकिंग दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आएगा, हमें मिक्सचर प्राप्त होगा। अगर एमडी लगा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा और हमें सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। प्लस आर ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, रिंग पर निगेटिव आता है, इसीलिए इन्हें रिंग एक्टिवेटिंग भी कहते हैं एक्सेप्ट हेलोजन। माइनस आर ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेते हैं, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है, इसीलिए माइनस आर ग्रुपों को रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है इंक्लूडिंग हेलोजन। ठीक, ना याद आया हो तो 7-8 पन्ने प्लट कर देख लो पीछे, रिजोनेटिंग इफेक्ट माइनस आर प्लस आर पढ़ाया था पूरा हमने। ओके, क्या हमारे बच्चे सवाल के लिए तैयार है? आइए, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहूंगा। ओके चलिए, बिल्कुल कूलली पढ़ेंगे आराम से। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन विच रिंग एंड वेयर इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ओके जरा, ओके जस्ट ए मिनट, क्लास यहीं स्टॉप हो रही है, आपको हम दे रहे हैं 2 मिनट। 7 पन्ने पीछे जाइए, 10 पन्ने जहां पे पढ़ाया रिजोनेटिंग इफेक्ट माइनस आर प्लस आर, 5-5 पॉइंट लिखवाए थे, रिवाइज करिए जरा, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। पीछे जाइए, रेजोनेंस में रेजोनेटिंग इफेक्ट 2 प्रकार के, माइनस आर प्लस आर, रिवाइज करिए जरा। बहुत तो कहो ढूंढ ही ना पाए, बहुत लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहां लिखा है, उनका कोई इलाज भी नहीं है मेरे पास। पिन ड्रॉप साइलेंस करिए। कॉपी पर देख के पढ़िए, उसके बाद आंखों को बंद करेंगे सभी बच्चे और अपने मन में करेंगे। करिए, दो मिनट कॉपी पर देख के करिए और फिर 2 मिनट आंख बंद करके रिवाइज करिए।
ओके आई होप आपने रिवाइज किया और आपको समझ में आया कि जो मैंने भी 2 मिनट पहले जो बोला उस सब मैंने क्या बोला, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी क्योंकि मैं आपको ये सब पढ़ा चुका था। राइट दीपड़ा, मैं आपके सामने कुछ चित्र बनाने वाला हूं, एक चित्र से समझाई देते हैं फिर आप करिएगा, जरा एक सवाल पहले हम कर ही देते हैं। मैंने आपके सामने एक चित्र ये बनाया, ओके, एक कंपाउंड है और इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखिए, एक समझा रहा है। देखिए इस समय आपके पास 2 बेंजीन न्यूक्लियस है, ये बेंजीन भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ऐसे, और ये बेंजीन भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब एक इलेक्ट्रोफाइल को मैंने इसके ऊपर फेंका, तो सवाल यह है वो इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पर अटैक करेगा और करेगा तो कहां करेगा। एक मैं करता हूं तुलना, इस रिंग से डायरेक्ट जो एटम लगा है उस पर लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस रिंग के अंदर भेजेगा, मतलब इस रिंग पर चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये काम करेगा प्लस आर ग्रुप के तरीके है ना। और इस रिंग पर जो एटम लगा है उसने पाई बॉन्ड बना रखा, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को घसीट लेगा और बेंजीन रिंग पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, मतलब ये ग्रुप इसके लिए माइनस आर की तरह बिहेव करेगा और ये ग्रुप इसके लिए
प्लस आर के तरीके बिहेव करेगा। बोलिए हाँ या ना। आप बताइए जब आप इलेक्ट्रोफाइल को इसके ऊपर फेंकेंगे तो वो किस रिंग की तरफ आकर्षित होगा? लेफ्ट। क्योंकि ये रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट हो गई है ड्यू टू प्लस आर, और ये डीएक्टिवेट हो गई है ड्यू टू माइनस आर। राइट और रॉन्ग? सो अटैक मस्ट बी ऑन दिस साइड। हाँ या ना। अब सवाल ये है अटैक कहां पर होगा? बच्चों ये ग्रुप प्लस आर एंड प्लस आर ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पर बच्चों अटैक होगा, चाहे इस ऑर्थो पर, चाहे इस ऑर्थो पर, या फिर इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर अटैक होगा। बोलिए हाँ या ना। आपको अब मेरा सवाल समझ में आया कि किस रिंग पर अटैक होगा और कहां पर अटैक होगा? राइट। जिस रिंग पर प्लस आर लगा होगा उस पर अटैक होगा, प्लस आर ओपीडी होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। ठीक, सुनिएगा बेटा मेरी बात ध्यान से बेटा। नॉट ऑलवेज बट यूजली पैरा पोजिशन इज कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव देन ऑर्थो पोजिशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ऑर्थो पे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो यहां पर स्टेरिक फैक्टर को फील कर सकता है, लेकिन पैरा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो स्टेरिक फैक्टर ना के बराबर क्या जीरो होगा। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमेशा पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, बट यूजली ऑर्थो और पैरा में पैरा इज मेजर। मैं फिर से अपने वाक्य को दोहरा दूं, यूजली नॉट ऑलवेज। बहुत से केस ऐसे मिलते हैं जहां पे ऑर्थो पोजीशन डोमिनेट हो जाती है, बट यूजली बच्चों हम यूजली तो बोल सकते हैं 80% केसों में पैरा पोजीशन इज डोमिनेट। क्लियर बेटा? सवाल हमारा क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अब दूसरा चित्र बनाने जा रहे हैं, आप करिए इसको, लिखिए कॉपी पर। अब स्टार लगाने कोई मतलब तो है नहीं, जिस बेंजीन पे टिक लगा हुआ है अटैक उसी पर हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखिए बच्चों, जिस बेंजीन पर माइनस चार्ज होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल उसी पर अटैक करेगा। कहां पे करेगा ये डिपेंड करेगा जो ग्रुप लगा है वो ओपीडी है या एमडी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे झंडू च्यवनप्राश खा के आए हैं। आइए, देखते हैं भाई। अटैक लेफ्ट या राइट? आवाज धीमी क्यों आ रही है? मुझे सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? राइट क्यों? देखिए राइट वाली पर डायरेक्ट एक एटम लगाया जिस पर लोन पेयर, ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस के द्वारा अंदर भेजेगा, रिंग पे चार्ज आएगा माइनस। और यहां पे लगा एक ऐसा ग्रुप जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को बाहर घसीट लेगा और रिंग पर चार्ज आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्यादा एक्टिवेट राइट वाली रिंग होगी। सवाल यह है अटैक कहां होगा? मेरे भाई मेरी एक बात सुन लो यार, भाई एक बात सुनो चेक कर ले। अब ध्यान से देखे तो ये रिंग इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भाई, ये एच बी हट गया, ये एच बी हट गया, ये एच बी हट गया। इस समय इसके पास तीन ही हाइड्रोजन है, एक ऑर्थो पे है, एक मेटा पे है, एक पैरा पे। तो बताइए अटैक कहां होगा? बिकॉज दिस इज ओपीडी, तो ओपीडी के रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे होगा या फिर पैरा। अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों में मेजर क्या होगा तो हम बताएंगे पैरा। क्या ये हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्लियर? फिर से मेरे बच्चे बोलेंगे, तुमने कैसे समझा इस पर निगेटिव आएगा?
इस पर एक ग्रुप लगा हुआ है जिस पर लोन पेयर है, बोले तो प्लस, समझो सहमत है बेटा, और इस पर एक ग्रुप लगा है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, बोले तो प्लस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, माइनस आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाते हैं। अटैक बच्चा कहां होगा? राइट वाली। अब राइट वाली में भी कहां पर होगा? तो प्लस आर ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर और पैरा पे होगा। इन दोनों में भी डोमिनेटिंग पूछा जाए तो पैरा बता देंगे। कितने लोगों का सही हुआ? आईआईटी 2002, आईआईटी 2003, एक ऐसा सवाल जो आईआईटी जैसे एग्जाम्स में लगातार पूछा गया 2002-2003। ठीक, क्या अगले सवाल के लिए तैयार है? मजा आ रहा है थोड़ा, और मजा आएगा। अगला सवाल देखते हैं, हटाते हैं इसको, लिख नहीं पाए थे, ओके। जल्दी लिखिए थोड़ा सा, इसमें समय मत व्यतीत क्या करिए। तीसरा चित्र मैं आपको बनाकर देता हूं, चलो यही बनाने जगह है मेरे पास। चलो देखते हैं कितने लोग बोर्न बीटा पी के आए। बताओ भाई जी, 54 देंगे भाई जी। एक तुम लोग जी भरभली काटते हो ना, लेफ्ट राइट, वेट प्लीज 10 सेकेंड देखिए फिर बोलिए। बोलिए लेफ्ट या राइट? पक्का? yes, सोच लो यार, पक्की बात है? एक्सप्लेन करिए भाई। लेफ्ट वाली पर एक माइनस आर लगा जो इससे इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, बोलो इस पर चार्ज क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं। और राइट वाला तो बर्बाद हो गया, ये भी माइनस आर लगा, वो भी माइनस आर, ये भी घसीटेगा, वो भी घसीटेगा, तो इस पर महा प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना। तो आप बताओ बच्चों, राइट वाले की रेस्पेक्ट में लेफ्ट वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब अटैक जो होगा वो लेफ्ट वाले पर होगा। ओके, माइनस आर ये भी है, माइनस आर ये। अब सवाल बच्चों ये है कि लेफ्ट वाले में कहां पे होगा? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे? तो माइनस आर का नेचर होता है इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे, और लकली बच्चों मेटा पोजीशन हमेशा इक्विवेलेंट होती है, चाहे इस पर अटैक करवाएं चाहे इस पर कराएं, सेम होगा। कितने लोग सोच पाए थे? लंबे खड़े करिए जनाब, आपने लंबे खड़े करिए, बढ़िया जबरदस्त बढ़िया। ठीक है, एक सवाल और बनाया जाए। ठीक है, देखिए बेटा, बेटा एक बात बताइए, फिनाइल रिंग जो होती है वो तो प्लस आर होती है, मालूम है कि नहीं? फिनाइल रिंग इज प्लस आर। ठीक है, चल एक सवाल देते हैं, अच्छा सवाल है, अब तो हटा दें बेटा इसको, बहुत जगह हो गई, हम हटा गए। देखते हैं भाई कितने बच्चे बताएंगे। किस रिंग पर अटैक होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? पक्का? yes, सोच लो आंटी, लेफ्ट या राइट? पक्का? yes, अच्छा, बात जोश में लग रहे हैं। अच्छा, अभी पिन चुभाते हैं, हवा निकालते हैं। राइट वाली में होगा, देखिए जरा, देखते हैं, देखिए देखिए ध्यान से, अगर देखें ये रिंग भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये रिंग भी डाई सब्स्टिट्यूटेड। इस रिंग के ऊपर इसका प्लस आर प्रभाव है और इसका भी प्लस आर है, इस रिंग के ऊपर इसका प्लस आर प्रभाव है
और इसका माइनस आई, याद करो बे। तुम्हें एक बात बताइए, प्लस आर का प्रभाव तो एक दूसरे ने कैंसल आउट कर दिया, मैं जितना इसने बढ़ाया उतना इसने इसके अंदर बढ़ा दिया, तो प्लस आर का इफेक्ट तो दोनों का एक दूसरे पर कैंसल आउट हो गया, मेन इफेक्ट रह गया है इन ग्रुपों का। सहमत हो कि नहीं? अब देखिए, CH3 जो होता है ये एक प्लस आर ग्रुप होता है, Cl है प्लस आर, कौन बोला मैं, क्या होता है, टहल लो तुम टहल लो, पढ़ने तो मन लग नहीं रहा, टहल ही लो, ये प्लस आर है और ये माइनस है। अच्छा अब देखिए बेटा, माइनस आई ने तो इलेक्ट्रॉनों को घसीटा तो इस पर हल्का पॉजिटिव, और प्लस आर ने इलेक्ट्रॉनों को अंदर भेजा इस पर नेगेटिव आया। आप बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, माइनस वाली, राइट वाली है। क्लियर? अब राइट वाली में अटैक कहां पर होगा, तो दिस इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अनफॉर्चुनेटली कि पैरा पोजीशन ब्लॉक हो चुकी है, तो या तो इस ऑर्थो पर होगा या इस ऑर्थो पर होगा, और दोनों ऑर्थो पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, चाहे किसी पर भी अटैक करवा दीजिए। बोलिए हाँ या ना, कितने बच्चे सोच पाए थे, कितने बच्चे सोच, लंबे खड़े करिए, बढ़िया, कहां गलती हो, खड़ी हो जाओ, सोचो बताओ कहां। अच्छा तुमने पढ़ा ही नहीं है पहली बात, ये सब आप बता सकते हो, क्या सोचा आपने, नहीं सोच पाए थे कुछ। इसका इस पर प्रभाव प्लस आर है, इसका इस पर प्रभाव प्लस आर, तो ये तो एक दूसरे को नलीफाइड कर दिया। अब इस पर एक एक्स्ट्रा प्लस आर पड़ रहा है और इस पर एक एक्स्ट्रा माइनस आई पड़ रहा है, इज इट क्लियर? सो माइनस आई ने इलेक्ट्रॉनों को घसीटा, पार्शियल पॉजिटिव आया, और इसने इलेक्ट्रॉनों को भेजा, फुल नेगेटिव आया। नेगेटिव वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल राइट वाली पे करेगा। अब कहां पे करेगा, प्लस आर ग्रुप ओपीडी बच्चा होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पर, और पैरा पोजिशन पहले से क्या है, ब्लॉक। गॉट इट? क्वेश्चन बड़ा क्लियर हो गया, वेरी गुड, आइए बैठ जाइए, अगले सवाल में चलते हैं। क्या बेटा? अच्छा आप चाह रहे हैं इसके हिसाब से यहां पे लगा दे ऑर्थो पर, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा बन गया, एक्चुअली ये जो रिंग है बेटा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गई, तो अब तीसरा इलेक्ट्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग इंटर करेगा या इसके अकॉर्डिंग इंटर करेगा, ये क्वेश्चन है, अगली हेडिंग यही है। चूंकि तुमने पहली क्वेश्चन उठा दिया तो मैं बोलना चाहेंगे, इसके अकॉर्डिंग तीसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा या इसके अकॉर्डिंग आएगा, इन दोनों में ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग कौन है, CH3, याद है, एल्काइल ग्रुप पहले आते हैं फिनाइल बाद में, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑर्थो पे अटैक करवाया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं करवाया। कि अगली हेडिंग बेटा यही आने वाली है, ओके। आप भैया का सवाल समझे थे, भैया ने मुझसे ये पूछा कि सर हम आपकी बात से सहमत हैं, इस पर माइनस है इस पर प्लस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हम सहमत है सर आपसे, लेकिन आप ये बताइए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपने इसी के अकॉर्डिंग ऑर्थो पे क्यों लगाया, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा देते? तो मैंने उत्तर दिया ये भी प्लस आर है और इस पर लगा ये ग्रुप भी प्लस आर, तो ज्यादा प्लस आर कौन है, ये, तो इसके रेस्पेक्ट में हम तीसरे इलेक्ट्रोफाइल की एंट्री मानेंगे, ओके बेटा, राइट। चलिए अगला सवाल देते हैं, ये दो केस सवाल आ गया जिसमें एक रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है, अभी आप लोग केस पढ़ रहे हो मोनो वाले। चलिए बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताएंगे बच्चों, हाँ देखें भाई कितने लोग सोच पाएंगे, सोचिए अटैक लेफ्ट वाले पे होगा या राइट वाले पे,
लेफ्ट या राइट? कौन एक्सप्लेन करेगा? एहतिसाम। और कोई नहीं समझ में आ रहा कोमल बेटा? अटैक लेफ्ट या राइट? राइट। चलिए एहतिसाम बेटा एक्सप्लेन करिए, कस के बोलना। नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में, तो हाँ तो नहीं, एक अच्छा शब्द हमने बताया है आपको। कौन बोला? कौन बोला? क्रॉस कंजुगेशन, एक शब्द हमने आपको बताया। आप ध्यान दीजिए बेटा, इसके ऊपर भी कीटोनिक ग्रुप लगा है, विच इज ए माइनस आर, इलेक्ट्रॉनों घसीटेगा, इस पे प्लस आएगा, कोई संदेह नहीं। और इस पर भी कीटोनिक ग्रुप लगा है, जो इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा इस पर भी प्लस आएगा। लेकिन जो ध्यान दो, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ भी कंजुगेशन में जा रहा है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा तो इसका इसके ऊपर जो कंजुगेटिंग इफेक्ट है वो घटेगा। जब एक ही ग्रुप दो जगह रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए तो एक रिजोनेंस के कारण दूसरा रिजोनेंस घट जाता है, इसे कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। आप देखिए बेटा प्लीज, सब लोग सामने देखें, हम और इसको समझना चाहेंगे। देखिए जरा सब लोग, और देखिए जरा सब लोग, देखिए बेटा यहां पर ये पाई पूरी ताकत से इन पाई इलेक्ट्रॉनों को घसीट रहा, बोलो हाँ या ना, जिसके कारण रिंग पर झेल के पॉजिटिव आया, बोलो। अब इस पाई को भी ये इलेक्ट्रॉन घसीटने हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट इसको इसके लोन पेयर में आ गया, बोलो बेटा। तो इसका इससे इलेक्ट्रॉन घसीटना थोड़ा सा क्या हो गया, कम, तो इसकी तुलना पे यहां पे प्लस आएगा। समझ में आया बेटा? यहां पे प्लस क्या होगा, बड़ा होगा, यहां पे प्लस छोटा होगा। समझ में आया? ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। लेफ्ट वाले में ज्यादा प्लस होगा और राइट वाले में कम प्लस होगा, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा वो राइट वाले में होगा। क्या सबको क्लियर हुआ बेटा? ये कीटोन अपनी पूरी ताकत बेंजीन पर ही दिखा रहा है, जबकि ये कीटोन अपनी थोड़ी ताकत बेंजीन पर दिखा रहा है और थोड़ी ताकत इस लोन पेयर पर दिखा रहा है। तो बेंजीन पर पड़ने वाली ताकत इसकी कम हो गई, तो यहां पर प्लस थोड़ा कम आएगा। अब बताइए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस तरफ होगा? राइट साइड की तरफ होगा। सवाल उठा ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे? तो दिस इज ए माइनस आर एंड माइनस आर इज मेटा, तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे अटैक होगा। बोलिए हाँ या ना। चल बच्चों, क्या आपको ये केस क्लियर हुए कि जब किसी रिंग पर कोई एक ग्रुप लगा होता है तो दूसरा ग्रुप कहां पे एंट्री मारता है? अगर पहला वाला ओपीडी है तो ऑर्थो पैरा पे मारता है, और अगर पहला वाला एमडी है तो मेटा पे मारता है। गॉट इट? चले यहां पे क्रॉस कंजुगेशन का प्यारा सा सवाल भी आपको करवाया। ओके चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, हटाए इसको। देखिए बेटा, अभी तक आपको हेडिंग पढ़ी थी कि बेंजीन रिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, बोला, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है तो कहां पे करेगा? आपने सीखा, अगर ये ओपीडी है तो ऑर्थो पैरा पे करेगा, अगर ये एमडी है तो मेटा पे करेगा। यही सीखा मैं। अगला क्वेश्चन बड़ा हिते है, तुम्हारा वाला सवाल देखो आ गया। अगला पॉइंट है, इफ द बेंजीन इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या हो? डाई सब्स्टिट्यूट, दो ग्रुप पहले से लगे हुए और तीसरा वाला एंट्री मारने जा रहा है, तो अब ये तीसरा वाला इन बचे हुए
चार हाइड्रोजनों में से किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये मेरी अगली हेडिंग है, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सवाल समझ में आया तो सुन लो पहले, बोलो नहीं। जैसे जब बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड होती है तो दूसरा ग्रुप कहां पर आएगा, ये पहले ग्रुप ने डिसाइड किया। अगर वो ओपीडी है तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, अगर वो एमडी है तो मेटा पे आएगा। ओके, अब दो ग्रुप पहले से लगे तो तीसरा ग्रुप कहां पर आएगा, ये दोनों ग्रुप सम्मिलित रूप से डिसाइड करेंगे कि ये कहां पर आएगा। बोलो हाँ या ना, हमारा सवाल क्लियर हो गया। देखिए तो अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है बच्चों, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलो, ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पूरी क्लास जरा मुझे हिंदी में बताए सवाल क्या है। एक बेंजीन है जिसपे दो ग्रुप पहले से लगे हैं, अब तीसरा ग्रुप कहां पर जुड़ेगा ये पता लगाना है। देखिए, जो बड़े टीचर्स होते हैं वो इसको पढ़ाते हैं रीइंफोर्सिंग और एंटागोनिस्टिक। मैं बड़ा टीचर नहीं हूं, देहाती टीचर है, तुम लोग जैसे तुम लोग मगैया हो अलग बात है। अच्छा, तो हम देखो ये रीइंफोर्सिंग और ये एंटागोनिस्टिक क्या होता हमें आता ही नहीं है, इतनी अंग्रेजी आती होती तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे होते। खैर, हम तो भाई हिंदी जानते हैं। क्या हिंदी जानते हैं, सुनना। हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी सुनो और दिल से सही सही उत्तर देना, हंसी मजाक नहीं होगी ज्यादा भी। एक घर है, उस घर में दो लड़के हैं, दोनों बड़े लड़के हैं, जवान हो चुके हैं, शादी योग्य है। हमने बोला तो एक हो गई, ये कौन सी बात है। एक घर है उसमें दो लड़के, सोच के बताना। एक लड़का है वो भी ड्यूटी करता है पैसा कमाता है, दूसरा लड़का है वो भी ड्यूटी करता है पैसा कमाता है। बताओ घर वाले किस लड़कियों की बात ज्यादा मानेंगे, जो ज्यादा पैसे कमाता है। सीधा लॉजिक, जो ज्यादा पैसे कमाएगा ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ऑफकोर्स घर वाले उसी की बात मानेंगे। वेरी गुड। अब बताना, एक लड़का पैसे कमाता है कमाऊ है, और दूसरा साला बदमाश उजड नशेबाज जुआरी, घर वाले किसकी बात मानेंगे। अपने ऊपर मत लो, किसकी बात मानेंगे, जो पैसे कमाता है जो घर की गाड़ी को खींच रहा है घर वाले उसी की बात मानेंगे, जो कमाऊ लौंडा है जो उजड़ टाइप का बदमाश जुआरी है उसकी बात तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन बनी, एक घर में दो लड़के हैं दोनों बदमाश साल, दोनों उजड़ दोनों शराबी जुआरी, आप बताओ घर वाले किसकी बात मानेंगे, जो कम जुआरी हो जो कम शराबी हो जो कम उजड़ हो। एम राइट। यहां पे एक दूसरी कहानी लगानी पड़ेगी हमको, एक दूसरी कहानी है सुनिएगा। एक बार रात का 3 बज रहा था, सच्ची घटना, रात का 3 बज रहा था, बहुत दबी आवाज में पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो एक बात बताओ, आदमी को एक बार में मर जाना चाहिए या घुट घुट के मरना चाहिए। तो पत्नी का क्या यार, एक बार में मर जाओ ज्यादा अच्छा है, घुट घुट के क्यों मर रहे हो। तो उसने कहा, ऐसा करो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो, मोटी बीबी होगी एक टांग धर के सो रही होगी। हाँ बड़ा होगा बेचारा, भैया दूसरी रखो सीधे मरे। तो कहने का मतलब यह है भैया कि घुट घुट के घर वालों की रोज बदनामी हो, इससे अच्छा है एक ही बार बदनामी हो, मरो कटो खत्म करो। कहने का मतलब दोनों लौंडे अगर उजड़ हैं शराबी हैं जुआरी हैं तो अब उसकी बात मानेंगे, तो ज्यादा उजड़ है घर वालों को एक साथ तबाह करेगा और खेल खत्म। क्लियर। यहां पे कंट्रोवर्सी आई तो उसके लिए मैंने बीबी वाला एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए क्या रिजल्ट निकला, दोनों लड़के कमाऊ है घर वाले उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा कमाऊ,
एक कमाऊ एक बदमाश, घर वाले बात मानेंगे कमाऊ की, और दोनों अगर बदमाश है तो घर वाले बात मानेंगे जो ज्यादा बदमाश। क्लियर? ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर हमारा जो ओपीडी ग्रुप होता है दिस इज कमाऊ। क्यों? खुद बताओ। क्योंकि ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए कमाऊ मानेंगे। और जो मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, ये जुवारी शराबी बदमाश। बोलो हाँ या ना। इतना बड़ा क्लियर हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर बेंजीन पर दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगे हैं तो घर वाले उसकी बात मानेंगे जिसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा। इज इट क्लियर? ओ माइनस एन एच टू ओ एच ओ आर एन एच ए सी एल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप। याद आ गया कुछ? एल्काइल ग्रुप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक। अच्छा, और अगर एक ओपीडी एक एमडी लगाए तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ओपीडी की बात मानेंगे। और अगर दोनों एमडी लगे हैं, दोनों साले बदमाश, तो उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा बदमाश, जिसकी रिंग डीएक्टिवेटिंग पावर ज्यादा। रिंग डीएक्टिवेटिंग का ऑर्डर भी आपको याद होगा। क्लियर? सुनना, एक पॉइंट तो बच्चों ये हो गया, अब दूसरा पॉइंट सुनना। ये क्लियर हो गया सबको? कहानी सबको क्लियर हो गई? खत्म हो गया डाई सबसे। अब आप बताइए हितेन बाबू, आपको समझ में आया? जब फिर से देखिएगा, आपके सवाल को फिर से पेश कर रहे हैं। अटैक इस पर होना था, अब इस पर कहां होगा? एक ये लगा प्लस आर ओपीडी, बोलो बेटा, और एक ये लगा, समझ में आई बात? तो ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग कौन? एल्काइल। तो तीसरा इलेक्ट्रोफाइल इसके अकॉर्डिंग आएगा, तभी बच्चा मैंने यहां पे टिक लगाया था। आपको समझ में आ गया? जब दोनों ओपीडी दोनों लौंडे कमाऊ है, घर वाले उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा कमाऊ है, जिसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना। एक छोटी सी कहानी और रीइंफोर्सिंग और एंटागोनिस्टिक की, समझे? ये साला अंग्रेजी कौन पढ़ता है? साइंस पढ़ने आए भैया, अंग्रेजी सिखाने नहीं आया। आती नहीं है? तुम्हारी दीदी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम अभी जब पेरिस और स्विट्जरलैंड गए थे तो हमें तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था, वो आगे आगे हम पीछे। कहीं मान लो एयरपोर्ट पहुंचे, अरे भैया एयरपोर्ट में तो ऐसी बेइज्जती सी महसूस होती, कुछ कहो ना, साला हिंदी कोई बोलता ही नहीं। हम गए वहां पे, पता नहीं क्यों क्लिक क्लिक उसे बोला, मेरे हाथ पैर भूल गए। कहते तुम किनारे हटो भैया, हम अपना किनारे। हाँ भाई बताओ क्या बोला था उसने? अच्छा ये बोल रही थी, पहले बताते। ऐसा एक जगह तो मुझे लगा कि उसको हम गरिया दे, दिल्ली की बात है, दिल्ली में बीजा बनवाने गए थे। अब दिल्ली में यार, हमारे देश में यार, तुम ऐसी अंग्रेजी बोल रहे, थोड़ा देखो कैसा आदमी आया है सामने, फिर हिंदी हिंदी बोलो, कोई बोलते ही नहीं आज। ये आपने लिख लिया बेटा? लिख लिया? इतना लिख लीजिए, कमाऊ और बदमाश। थोड़ी कहानी सुनाई, आपको मजा आएगा, आप देखिएगा भी। अब बेटा जब मैं ये कहानी सुना देता हूं तो इसमें बच्चों में दो बातें और लिखवाता हूं। ठीक, लिखिए लिखिए। ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, थर्ड इलेक्ट्रोफाइल नॉट इंटर इन बिटवीन टू ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। देखिए, अंग्रेजी को मारो गोली, हमें खुद नहीं आती, हमने क्या लिखवा दिया? इधर देखो, घर पे समझना, समझ में आ जाएगी। देखिए, मान लीजिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये है, ठीक, और एक तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है। अब देखिए, मैंने बताया जो तीसरे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये उस पोजीशन पे अटैक करना बिल्कुल पसंद नहीं करते जो उन दोनों के बीच में होती। क्यों?
अगर बच्चों तुम इसको यहां पे लगा दोगे तो तीन ग्रुप एक साथ आ जाएंगे, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की संभावना है कि नहीं है? इसलिए आप जरा पढ़िए अंग्रेजी में, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर थर्ड इलेक्ट्रोफाइल नॉट एंटर इन बिटवीन टू ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। क्लियर है? मतलब ये जो पोजीशन होती है बेटा, ये लीस्ट रिएक्टिव पोजीशन होती है। अटैक तो बच्चा होगा इसके ऊपर, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट लीस्ट हो प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखेंगे। ये स्पीड अप पॉइंट है, लिखिए स्पीड अप पॉइंट है। देखिए इफ वन ग्रुप हैज लोन पेयर, इफ वन ग्रुप हैज लोन पेयर देन थर्ड इलेक्ट्रोफाइल यूजली अटैक्स टू पैरा पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू दिस लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। ओके, देखिए थोड़ा स्पीड अप पॉइंट है। बताए बेटा, देखिए जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं ऑलवेज देखो नहीं बोल सकता, ये साइंस है बेटा। यहां पे ऑलवेज शब्द बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। याद करिए मैंने बोला था कि अगर ओपीडी लगा है तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे, बट पैरा वाला क्या होता है, यूजली मेजर बट नॉट ऑलवेज। भाई ऑलवेज शब्द की नहीं बोल सकते। मान लीजिए ऑर्थो पे अटैक करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, चिलेशन हो जाए, तो ऑर्थो की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम चीज बच्चा यहां पर भी है। क्या? सुनना 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 बेटा, मैंने बोला भाई दो ग्रुप लगे, मैंने बोला अगर दोनों में से किसी एक ग्रुप के पास लोन पेयर है तो यूजली हमारा यूजली है 90%, हम बोल रहे हैं तो 90% सही होगी बात। तो यूजली जो तीसरा ग्रुप होता है लोन पेयर के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, 90% ही पक्का होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर है तो यूजली ऐसा देखा गया है कि तीसरा इलेक्ट्रोफाइल उसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आइए सामने देखिए बेटा, हमारा क्वेश्चन है, हमारी बेंजीन है जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दो ग्रुप लगे हुए, तीसरा ग्रुप एंट्री मारने आ रहा है, आपको मालूम है दोनों ओपीडी हैं तो उसकी बात मानेंगे जिसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा। एक ओपीडी एक एमडी, कुछ मत सोचो, ओपीडी की बात मानो, दोनों एमडी हैं तो उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा रिंग डीएक्टिवेटिंग। गुड गुड के नहीं मरना है, एक साथ मरना है, राइट। यहां पर मैंने अपने बच्चों को कुछ स्पीडअप पॉइंट दिए, ये दोनों पॉइंट स्पीड अप पॉइंट है। दो ग्रुपों के बीच वाली पोजीशन लीस्ट रिएक्टिव होती है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अगर दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर है तो 90% केसेस में तीसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, ये स्पीड अप पॉइंट है, राइट। पहले आप इसको देखेंगे और इसके बाद आप स्पीड अप पॉइंट के बारे में सोचेंगे। ठीक, तैयार पूरी क्लास? आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। आइए, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों सामने देखो, देखा जाए, चलिए मैं आराम से कर रहा हूं, आराम से फील करिए चैप्टर को बेटा। ओपीडी आया ना, प्लस आर आर ओपीडी, प्लस आर आर दोनों लौंडे कमाऊ हैं, घर वाले किसकी बात मानेंगे, जो
जो ज्यादा कमाओ जिसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर, मेरे ख्याल से OH हाँ या ना, ब्रैकेट बंद कर लिया। अब तीसरा वाला इसके रेस्पेक्ट में आएगा, चूंकि ये ओपीडी है तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर भी अटैक करेगा और पैरा पर भी अटैक करेगा। पहले ये बताओ अटैक इन तीन स्थानों पर हो सकता है, सहमत हो? Yes, सहमत हो कि नहीं? Yes, 5 मिनट इसीलिए दिए थे कि वो रिवाइज कर लो, अभी भी नहीं कर पाए हो बेटा, ऐसे टीचर मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, मैं क्या करूं भाई, अगर आपको ये बच्चा कहे सर ये ओपीडी कैसे हो गया, तो मैं क्या करूं अब उसके लिए? ठीक है, अच्छा अब सवाल है कि इन तीनों में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। तो ये तो गया बिल्कुल बेकार हो गया, इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल थर्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि यूजली जिसके ऊपर लोन पेयर होते हैं उसकी पैरा वाली पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो सबसे ज्यादा वाला प्रोडक्ट होगा ये वाला, उससे कम होगा ये वाला, और सबसे कम होगा ये। ठीक है, पहले लगाया करिए कमाऊ और बदमाश, और फिर लगाया करिए स्पीड अप पॉइंट। ठीक, पक्की बात? अगला तुम लोग, तुम करोगी? करोगी? कह रहा करेगी, ठीक है, जानता था लेकिन पहले से सर क्या बोलेंगे। ये तो इस तार को पता नहीं यहां क्या इंटरेस्ट मिलता है, हम समझ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या है। क्या मेरी पूरी क्लास इस सवाल से सहमत हो चुकी है? दोनों लौंडे कमाऊ थे, बोलो हाँ या ना। ज्यादा कमाऊ कौन? OH। घर वाले बात किसकी मानेंगे? OH। उसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा। बाकी 1, 2, 3 कैसे किया समझ गए होंगे। अगला सवाल नीट का क्वेश्चन, ये लीजिए नीट में पूछा गया। करिए अब तक हो जाना चाहिए, इतना टाइम भी लगेगा तेरे मेरे भाई। दोनों लौंडे कमाऊ या उजड़ साले? पक्का? पक्की बात? एल्किल ग्रुप आर प्लस आर ओपीडी ग्रुप, बोलो हाँ या ना। दोनों कमा रहे हैं तो घर वाले किसकी बात मानेंगे? आप बताइए, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है रिंग एक्टिवेटिंग पावर, तो इसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर, तीसरा ग्रुप इसके अकॉर्डिंग एंट्री मारेगा हाँ या ना। चल भाई देख, चूंकि ये ओपीडी है तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे अटैक होगा या फिर पैरा पे। क्या पूरी क्लास सहमत है? जल्दी बताना एक आवाज एक सुर में, लीस्ट रिएक्टिव साइट, लीस्ट रिएक्टिव। अब देखो कौन बताएगा, फर्स्ट ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली या नीचे वाली? क्यों? यहां पर छोटा ग्रुप लगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम, यहां पे बल्कि ग्रुप लगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। बोलो बच्चों हाँ या ना, सब लोग सहमत है हमसे? पक्का? कुछ ना कुछ बता। तो ये प्लस आर पावर किससे होता है? तो तभी तो इसी के अकॉर्डिंग एंट्री मारी है क्या? बताइए आप सवाल बुझे मेरे भाई, तुमने CH3 को ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग क्यों बोला है? क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, तभी तो इसका प्लस आर इफेक्ट। एल्किल ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाई हाइपर कंजुगेशन, तभी तो बेटा इसको हमने डब्बे में बंद किया, तभी तो बेटा हमने इसके अकॉर्डिंग तीसरे को एंट्री मरवाई है। देखिए बेटा, हमने इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाया है। इज इट क्लियर? अब इन तीनों में बच्चा कहां अटैक करेगा? ये बीच वाली पोजीशन है लीस्ट रिएक्टिव, ऑर्थो और पैरा में कहां करेगा? हिंड्रेंस कम होगा, हिंड्रेंस ज्यादा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। बेटा रुक जाओ, खड़े रहो, चलते बेटा। रिजोनेंस इज नॉट द डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट,
तो इसके कारण जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों लोकेशन क्या हो गई से, तो हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को देख लिया। इसलिए ऊपर वाले में लेस हिंड्रेंस ज्यादा रिएक्टिव, मोर हिंड्रेंस लेस रिएक्टिव। गॉट इट? ओके, तीसरा सवाल बता दो तो आज मजा आ जाएगा। यस, पहले देखा करिए कमाऊ और बदमाश। आज पानी नहीं पिया हमने ना। यार आज क्या हो गया तुम लोगों, जल्दी नहीं बोलो, पहले ही बताओ दोनों कमाऊ या बदमाश। अब दोनों लौंडे कमाऊ हैं, दोनों ओपीडी हैं, तो आप उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा कमाऊ हो। जरा रीएक्टिवेटिंग ऑर्डर बोलिए। ओ माइनस एन एच टू ओ एच ओ आर एन एच ए सी एल्काइल ग्रुप फिनाइल। तो एन एच टू की प्लस आर पावर, इसके अकॉर्डिंग एंट्री मरवाएंगे। बोलो बेटा। बच्चों एक बात देखो, वैसे तो हम आंख बंद करके साले के पैरा पे अटैक करवा देते क्योंकि लोन पेयर है, स्पीड अप पॉइंट, लेकिन पैरा वाली ब्लॉक है इसलिए अटैक कहां होगा और तो क्यों होगा। बताओ बच्चा, बोलो। ठीक है, मैं फिर से कह दे रहा हूं, जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं पढ़ा है कायदे से, आप दिल पे हाथ रखिए, खुद बताइए, टीचर का कोई कसूर नहीं है। देखिए आप, अब कोई ये बच्चा कहे कि ओपीडी कैसे है, ये माइनस आर कैसे है, ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग कौन होता है, तो गीता नगर पे क्रॉसिंग है, जाके लेट जाता सब आ जाएगा, बिलीव मी। क्यों? आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, हुजूर मुलाजा फरमाइएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सीख रहे हो तुम लोग। करना तो बच्चों आप ही को है, लेकिन मैं एक बार आपको चेक करना चाहूंगा। बड़ा खड़ी हो जाओ चश्मा। पूरी क्लास ये जानना चाहती है कि क्या ये रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है, कैसे बताना। ऑफकोर्स यार, ये हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो गया वाया ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया वाया कार्बन। हाँ यार, दिस रिंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब बड़ा पूरी क्लास जानना चाहती है, ये ग्रुप भी ओपीडी है ड्यू टू लोन पेयर और ये ग्रुप भी ओपीडी है ड्यू टू हाइपर कंज्यूम। ठीक, आप बताइए यार, अटैक तीसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड कौन सा ओपीडी करेगा। सब लोग बोलो पक्का, क्योंकि ओ का प्लस आर रिंग एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है और एल्किल ग्रुप बहुत पीछे, तो हमारा डिसाइडिंग ग्रुप कौन सा हो गया। अब चूंकि बच्चों ये ओपीडी होता है तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे करेगा, ये वाली तो ब्लॉक है, या फिर, और तुम तो जानते हो लोन पेयर में हमेशा पैरा वाली पोजीशन मोस्ट रिएक्टिव होती है, तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड। बोलो हायाना, क्लियर हुआ बेटा? क्या बात, बैठिए, यू बिकम डॉक्टर, जाओ एमएमसी जाओ, आशीर्वाद दे दिया, मौलाना आजाद पहुंच गए, जाओ। तुम्हें कहाँ जाना है? एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए भाई, और किसी को आशीर्वाद चाहिए बताओ, चाहिए? अगला सवाल देखते हैं बच्चों को, क्लियर हो गया? मैंने ओ को गोले में बंद क्यों किया है? दोनों ही बच्चों ओपीडी है, दोनों ही कमाऊ है, इसकी रिंग एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है क्योंकि ये आगे खड़ा है,
तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री मारेगा, डब्बे बंद कर लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे। अब दोनों में से कोई एक डिसाइड करनी हो तो पैरा वाली ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल करते हैं। अभी तक चारों एग्जांपल मैंने दिए दोनों लौंडे कमाऊं, अब थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक। चार हो गए, पांचवा ये रहा। चलिए काफी समय दे दिया आज हमने इसके ऊपर। बोलो, इतना दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? NO2 या CH3? पक्का? अच्छा जल्दी बताओ ना, OPD कौन है और MD कौन है? कमाऊ कौन है? बदमाश कौन है? घर वाले किसकी बात मानेंगे? ठीक। अब चूंकि बच्चों ये OPD है तो इसके रेस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे अटैक होगा और या फिर पैरा पे अटैक होगा। बोलो बच्चों, हाँ या ना? पक्की बात? अब देखो बेटा, ये पोजीशन क्या होगी? बोलो बेटा, लीस्ट रिएक्टिव होगी या नहीं होगी? अच्छा, अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव पोजीशन कौन सी होगी? तो आप अगर देखें बेटा, ये देखो बेटा, ये CH3 है और वो NO2 है। अब सवाल यही है कि तीसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बहुत हद तक वो डिसाइड करेगा। अगर स्टेबिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NO2 जो है बल्कि लग रहा है इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पे फर्स्ट और यहां पे बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। अगला बताओगे? ये पांचवा नंबर था बेटा। चलो चलो ये वाला बताओ। एक बार बड़ा रुकना, एक बार रुक। जल्दी करो यार, देर नहीं लगेगा। क्या दोनों लौंडे MD है? दोनों बदमाश है? अगर दोनों बदमाश तो बात किसकी मानोगे? जो ज्यादा बदमाश, जिसकी रिंग डीएक्टिवेटिंग पावर NO2 या CCL3। चूंकि ये MD है, इसके रेस्पेक्ट में कहां पर आएगा? मेटा। कितने लोग सोच रहे हैं बेटा ये सब? क्लियर? कितने लोगों ने सोच लिया था? लंबे खड़े करिए, ये पूरी क्लास सोच रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन बच्चों है, अगेन दोनों क्या है? दोनों इसके सेंटर एटम ने भी पाई बॉन्ड बनाया है, इसके सेंटर एटम ने भी पाई बॉन्ड बनाया। ये भी MD है, वो भी MD है, दोनों बदमाश है। घर वाले उसकी बात मानेंगे जो ज्यादा बदमाश। NO2 आगे है, CN पीछे है। घर वाले ने किसकी बात मानी? चूंकि बच्चों ये मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो मेटा एक मेटा ब्लॉक है, तो इस मेटा पे अटैक करेगा। क्लियर? चलिए बेटा, इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है। आपको हम दे रहे हैं 2 मिनट, आप आराम से आज की क्लास रिवाइज करिए, आराम से करो यार, हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा पाते। आराम से छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, देखो आपस में बात ना करके रिवाइज करो।
कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया था. दूसरा एग्जांपल था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अंदर भी आएगा फ्री रेडिकल, बाहर भी जाएगा फ्री रेडिकल. इसके दो एग्जांपल थे रिएक्शंस ऑफ एल्केन और एलिलिक ब्रोमिनेशन. उसके से 40 मिनट्स का टॉपिक है. आइए चालू करते हैं इसका पहला एग्जांपल. इसका पहला एग्जांपल चालू करते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्केन. बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बेटा, 40 मिनट्स का टॉपिक है. देखिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए एल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है. इसलिए एल्केन जब भी देते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन ही शो करते हैं. हाई टेम्परेचर या सनलाइट की उपस्थिति में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो इनके ऊपर अटैक करते हैं. ठीक है, अच्छा. इनका जितना भी रिएक्शन होती है बेटा फ्री रेडिकल ही होती है, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, या फिर आपका कंबसन हो, या फिर आपकी पायरोलिसिस हो, सारी रिएक्शन इनकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है. हम अपने छात्रों को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हेलोजिनेशन का ले रही है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन. ओके, एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए हम हेलोजिनेशन का एग्जांपल ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन. ठीक है बेटा, जरा देखिए सब लोग, देखो देखो बेटा, हेलोजिनेशन हम तब भी कहते हैं जब एल्कीन पर हेलोजन अटैक करता है, बट वहां पे हेलोजिनेशन का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन. और हेलोजिनेशन हम तब भी कहते हैं जब एल्केन पर हेलोजन अटैक करता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन. तो हेलोजिनेशन शब्द कॉमन हो गया, एल्कीन में भी यूज होता है, एल्केन में भी यूज होता है. एल्कीन में हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन और एल्केन में इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन. पहले ये बताइए बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया. अच्छा, जैसे बच्चों मान लीजिए हमने कोई एल्केन ले लिया मीथेन, ठीक, और हमने इस पर सब्स्टिट्यूशन कराया हेलोजन लेकर, मान लीजिए क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो फ्री रेडिकल को प्रमोट करेगा. मान लो बेटा हमने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, देखिए क्या हुआ बच्चों. जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो ये वन बाय वन करके सारे हाइड्रोजनों को सब्स्टिट्यूट करेगा और मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हमें सारे प्रोडक्ट प्राप्त होंगे और जो हाइड्रोजन होंगे वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCN के रूप में अलग हो जाएंगे. हमारे बच्चे देख रहे हैं हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, क्लोरीन अंदर आ रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्लोरीन अंदर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल. इसीलिए नाम पड़ा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, देखिए बेटा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. इसको क्या बोलोगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड. इसको क्या बोलोगे और इसको क्या बोलोगे, टेट्रा सब्स्टिट्यूट. हमने एक का नाम लिख दिया, बाकी आप बना लीजिएगा अपने आप. ठीक है, चलिए बेटा, अब मैंने आपको फ्री रेडिकल एडिशन में भी ये बात सिखाई थी कि जब भी कोई मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो वो कितने स्टेपों में होती है, तीन. नाम बोलिए, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन. तो आइए इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखें. मैकेनिज्म में पहला स्टेप है बच्चों चेन इनिशिएशन. मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे.
बड़ा चेन इनिशिएशन में क्या होता है? नहीं, गलत बात। अटैकिंग फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। क्या पढ़ाया था? अटैकिंग फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। अटैकिंग फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। हमेशा ध्यान रखिए, चेन इनिशिएशन में अटैकिंग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखिए जरा बच्चों कैसे। देखिए, ये रहा रिएजेंट क्लोरीन और ये रहा सनलाइट। मेरी पूरी क्लास जानती है कि सनलाइट फेवर करता है होमोलिसिस को। यहां पर होमोलिसिस होगी, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएंगे और इस प्रकार से आपको अटैकिंग फ्री रेडिकल मिल गया। जैसे बच्चों अटैकिंग फ्री रेडिकल डेवलप हो जाता है, हम कहेंगे कि चेन इनिशिएशन खत्म हो गया। ठीक, जरा आंखें बंद करके सोचो जरा, फ्री रेडिकल एडिशन जब एल्कीन पर HBr ने ऐड किया था इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, क्या हुआ था? चेन इनिशिएशन में पहले परऑक्साइड में होमोलिसिस हुआ और RO फ्री रेडिकल बना, लेकिन चेन इनिशिएशन अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर RO फ्री रेडिकल ने HBr से H को घसीट लिया था और अटैकिंग फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था। अब पुरवाल सर ने बोला था कि चेन इनिशिएशन खत्म हो गया। याद है, जब अटैकिंग फ्री रेडिकल डेवलप हो जाते हैं तो चेन इनिशिएशन बच्चों खत्म हो जाता है। ठीक, अब चालू होगा चेन प्रपोगेशन। सुनना, चेन प्रपोगेशन में मैंने वहां पर भी सिखाया था कि ये अटैकिंग फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लीज सामने देखिए, मैं इस पेज को सेव रखा चाहूंगा। आपने लिख लिया ना? है नहीं लिखा तो लिखिए बेटा, इसमें क्या हम आपको लिखने का समय दे यार। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके दो एग्जांपल मैंने भूमिका में लिखवाए थे, फ्लो चार्ट में लिखवाए थे, रिएक्शन ऑफ एल्केन और एलिलिक ब्रोमिनेशन। रिएक्शन ऑफ एल्केन में मैंने लिया है बच्चों को समझाने के लिए हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन। सबसे पहले सनलाइट की उपस्थिति में होमोलिसिस होता है और अटैकिंग फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हटा दे इसको। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारे सामने आएगा, चेन प्रोपेगेशन। सब लोग सामने देखेंगे, चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये जो अटैकिंग फ्री रेडिकल बेटा आपने बनाया है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। और बच्चों यही स्टेप होता है स्लो, बोले तो रेट डिटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए, कौन बताएगा ये रिएक्शन? क्या पढ़ा चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट वन में? जब फ्री रेडिकल पढ़ाया था तो ये रिएक्शन पढ़ाई थी। जब कभी फ्री रेडिकल किसी स्टेबल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो एक दूसरा फ्री रेडिकल बनता है और एक दूसरा स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। देखिए, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूं प्रिया, यही तो बात है, पढ़ते नहीं हो तो बार बार पीछे जाना पड़ता है, ये बहुत गलत बात है बच्चों। ये क्या करेगा?
कुछ याद आया? इसकी प्रेजेंस में यहां पर होमोलिसिस होगी, कुछ याद आया? इसकी प्रेजेंस में जिस प्रकार से सनलाइट होमोलिसिस को फेवर करती है, प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल भी होमोलिसिस को फेवर करता है। ये एच को लेकर अलग हो गया और ये नया फ्री रेडिकल डेवलप हो गया। ओके, ध्यान दो बच्चों, अब ये CH3 फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और एक Cl को लेकर अलग हो जाएगा और फिर से अटैकिंग फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। बच्चों पेन बंद करो, ये देखो फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बन गया। अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, फ्री रेडिकल एडिशन भी मैंने ये बात बोली थी कि चेन इनिशिएशन सिर्फ एक बार अटैकिंग फ्री रेडिकल को पैदा करता है, उसके बाद चेन प्रपोगेशन में ये यूज भी होते रहते हैं और रीजनरेट भी होते रहते हैं, फिर अटैक करके यूज होंगे और फिर रीजनरेट हो जाए। क्लियर? जैसे ये प्रोडक्ट बना वैसे दूसरा बनेगा CH2Cl2, फिर तीसरा बनेगा CHCl3, फिर चौथा बनेगा CCl4। क्लियर? अटैकिंग फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और नया फ्री रेडिकल बनाता है। ये नया फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से Cl को घसीटेगा, पहला प्रोडक्ट आपका बन गया और अटैकिंग फ्री रेडिकल फिर से रीजनरेट हो गया, एंड सो चलती रहती है। जब बच्चों सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो सवाल उठता है चेन टर्मिनेशन का। बेटा बोलो किसका? देखो सब लोग, चेन टर्मिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाते हैं और जब ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। जब बर्तन में फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है? ये देखो बेटा, हमने सारे प्रोडक्ट भी बनवा दिए और इस प्रकार से रिएक्शन को स्टॉप भी कर। ओके, लिख सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हैलोजिनेशन का एग्जांपल लेकर आपको सिखा रहे हैं। ठीक है? चेन इनिशिएशन, अटैकिंग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चेन प्रपोगेशन, अटैकिंग फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट पर अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। और चेन टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। ठीक, अब कुछ और सीखो, देखना क्लियर हो गया, सुनना। आपके मेडिकल में मैंने देखा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सुनो बेटा, सवाल ऐसे होता है, चार ऑप्शन होते हैं, चार रिएक्शनें लिखी होती है। सवाल होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन चेन इनिशिएशन को शो कर रहा है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन चेन प्रपोगेशन को डिनोट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोचो। चेन इनिशिएशन में अटैकिंग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब रिएक्टेंट साइड पर कोई भी फ्री रेडिकल नहीं होगा, प्रोडक्ट साइड पर फ्री रेडिकल होगा। समझना। चेन प्रपोगेशन में फ्री रेडिकल ने सबस्ट्रेट पर अटैक करके एक नया फ्री रेडिकल और एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल बनाया, मतलब चेन प्रपोगेशन में रिएक्टेंट साइड पर भी फ्री रेडिकल होते हैं और प्रोडक्ट साइड पर भी होते हैं। रिएक्टेंट साइड पर भी, प्रोडक्ट साइड पर भी, रिएक्टेंट साइड पर भी, प्रोडक्ट साइड पर। और चेन टर्मिनेशन में ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर खत्म हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट साइड पर होगा, प्रोडक्ट साइड पर नहीं। बोलो हाँ या ना? तुम्हें मैकेनिज्म याद रहे चाहे ना रहे,
मैटेरियल बच्चों याद नहीं करी जाती है, एक दो बार जब कॉपी पर आप लिख कर देखते हैं तो क्लियर हो जाती है। अब बताइए कभी सवाल आ जाए चेन प्रोपोगेशन स्टेप कौन सा, आंसर बताओ, जिस ऑप्शन में दोनों तरफ फ्री रेडिकल हो। चेन टर्मिनेशन कौन होगा, रिएक्टेंट साइड पर फ्री रेडिकल होगा, प्रोडक्ट साइड पर नहीं। और चेन इनिशिएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट साइड पर होगा, रिएक्टेंट साइड पर नहीं। बोलो हाँ या ना। अच्छा बच्चों देखिए कितने लोग बताएंगे, सामने देखिए, कौन सा स्टेप, बोलो, चेन प्रोपोगेशन, रिएक्टेंट साइड पर भी है और प्रोडक्ट साइड, बताना। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, बोलो चेन प्रोपोगेशन। आप जानते हैं मैंने जहां पर चेन प्रोपोगेशन स्टॉप कर दिया था एक प्रोडक्ट बनाकर, उसकी आगे ऐसे चलेगी, ये देखिए दूसरा बन गया, बन गया। अब ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, इस पर ये अटैक करेगा, नजर रखिए, ये गलाई रखिए सामने, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं वो अटैकिंग फ्री रेडिकल के लिए सबस्ट्रेट के तरीके काम करने लगते हैं। कौन सा स्टेप, चेन प्रोपोगेशन, ये नया फ्री रेडिकल बना जो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन ले लेगा और फिर से फ्री रेडिकल जनरेट हो, कौन सा स्टेप। आप देखिए मैंने तीसरा प्रोडक्ट भी बनाकर दिखा दिया, अब ये कैसे काम कर जाएगा, सबस्ट्रेट के तरीके, फिर ये इस पर अटैक करेगा, फिर बनेगा CCl3 फ्री रेडिकल जो Cl2 से Cl ले लेगा और लास्ट में बन जाएगा CCl4। क्लियर, तो ये सारे स्टेप क्या हो गए बेटा, चेन, समझ में आ गया सबको, क्लियर। चलिए ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, ओके आइए। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय हेलोजन, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। सुनना बेटा, जब ये पॉइंट हो गया तो अगला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, उसके लिए 10 मिनट का और रहेगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बताने की जरूरत नहीं है, हर मामले में रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब एल्केन पर सबसे तेजी से अटैक करेगा फ्लोरीन और सबसे स्लोली अटैक करेगा आयोडीन। फ्लोरीन बच्चों इतनी तेजी से अटैक करता है, द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, ओके, और आयोडीन इतना धीमे धीमे करता है कि रिएक्शन आगे के साथ साथ पीछे भी जाने लगती है, रिएक्शन इज रिवर्सल, ओके। काफी समय दे दिया आज सब्स्टिट्यूशन में, ओके बेटा। तो फ्लोरिनेशन इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन विस्फोटक हो जाती है, और आयोडोनेशन इतना स्लो होता है कि रिएक्शन आगे जाते जाते थक गई, वापस पीछे आने लगती, रिवर्सिबल हो जाती है। अरे क्या हो गया, नहीं नहीं वो तो ठीक है, कपड़े क्यों उतार दिए, अच्छा अच्छा गर्मी लगा भाई, कपड़े पहन लो प्रभु, लूज मोशन चालू हो जाएंगे, हाँ हाँ रुक जाओ, तो आप पापा से दरख्वास्त डालेंगे अभी, आगे बढ़े, सुनते रहना बेटा प्लीज। ये बदमाश आग लगा देता है और ये आगे जाते जाते रुक के वापस पीछे आने लगता है, इसीलिए बच्चों
हम लोग जब भी एल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं या तो क्लोरीनेशन कराते हैं या फिर ब्रोमिनेशन, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग या तो क्लोरो एल्केन बनाते हैं या फिर ब्रोमो एल्केन बनाते हैं। फ्लोरो एल्केन और आयरो एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हम कभी भी नहीं बनाते। क्यों? एक आग लगा देता है और एक आगे जाते जाते वापस से पीछे आने लगता है, रिएक्शन कभी समाप्ति नहीं होती। इसीलिए हम हमेशा कराएंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन। बच्चों के मन में सवाल आया, सर मेरा मन कर रहा था कि फ्लोरो एल्केन बना के दिखा दो तो मजा आ जाए, तो तुम्हारे मन से चलेगा। सर मेरा मन कर रहा था आयरो एल्केन बना के दिखा दो तो नहीं मजा आ जाए, तो मजा दिलाने के लिए आए अब हम। अच्छा 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 ठीक है, दिला देते थोड़ा सा, सुनना। अगर फ्लोरो एल्केन और आयरो एल्केन बच्चों आपको बनाना है तो हम हेलोजिनेशन से नहीं बनाते, हम इनके लिए स्पेशल रिएक्शंस यूज करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन फॉर फ्लोरो एल्केन एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर आयरो एल्केन। गॉट इट? सो प्लीज लिखेंगे, दस देखे 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 कोई पढ़ के आया है कि नहीं। हुजूर हम फ्लोरो बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाते थे क्या? बाज साइमन बोलो, याद आया? एल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल आयोडाइड आर prepared are prepared by special reaction, bracket में लिख लो सब लोग, Swart and Finkelstein respectively। बड़े ये रिएक्शन क्या होती है मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, इतना ही बता दिया है, बहुत बता दिया। एल्किल फ्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं स्वार्ट रिएक्शन से और एल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं फिंकलस्टीन से, बड़ा अभी फिलहाल इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों? अच्छा भाई, पहला रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन का हो गया, अब हम जा रहे हैं दूसरे रिएक्टिविटी ऑर्डर की तरफ। ठीक है, हटाएंगे इसको, हटाए। ठीक है, हेलोजन में फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव था, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव था, इसीलिए इन दोनों को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाते, इनके लिए स्पेशल रिएक्शन यूज करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन फॉर एल्किल फ्लोराइड एंड फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉर एल्किल आयोडाइड। ओके, अच्छा सुनो बेटा, ये तो हेलोजन की रिएक्टिविटी हो गई, अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। किसकी? देखिए लिख लिया। हाँ, दूसरा पॉइंट समझाने से पहले हम वापस से पेज पर जा रहे हैं। हाँ देखिए, आ गया। देखिए, कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक एल्केन दिया जाता है, उस एल्केन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन्स भी होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी होते हैं और टर्सरी हाइड्रोजन्स भी होते हैं। सवाल पूछता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन होगा? सामने देखिए, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, देखना जरा। जब तुमने एच को हटाया तो उस कार्बन पे तुमने बिंदी को लगाया, सोचो ना बे, ये बिंदी मतलब ये फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये उतनी तेजी से इसमें बदलना चाहेगा, मतलब वो हाइड्रोजन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। यस, जिस हाइड्रोजन को हटाने पर बनने वाला फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होता है उस हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के प्रति उतनी ज्यादा होती है। जैसे सोचिए, टर्सरी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो टर्सरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल,
प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाएंगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? टर्शियरी। तो जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट यही है हमारा, अगला पॉइंट यही है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, लास्ट पॉइंट है बच्चों, टुवर्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए लिख रहा मत, सामने देख रहा, ठीक है? चल भाई बता, लिखना मत लिखने भाई। टर्शियरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, जल्दी बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? इसको हटाओगे तो टर्शियरी फ्री रेडिकल, इसको हटाओगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और लास्ट वाले को हटाओगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। बोलो हाँ या ना, बोलना मना लिखना मना। तुम बताओ बच्चों, क्या प्राइमरी हाइड्रोजन, सॉरी, क्या प्राइमरी फ्री रेडिकल से भी लेस स्टेबल कोई फ्री रेडिकल है? है। कौन? विनाइल। कौन? याद आया? जिस प्रकार से विनाइल कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं, वैसे ही विनाइल फ्री रेडिकल लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होते हैं। तो इसके बाद कौन आएगा? अरे मिथाइल इज प्राइमरी, तो मिथाइल लिखो चाहे ना लिखो, क्या मतलब उससे? तो इसके बाद बच्चों आएगा विनाइल हाइड्रोजन। प्लीज बोलना मत और लिखना मत, ठीक? अब सुनना, क्या बच्चों टर्शियरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल आपके पास है? ढेरों है। एलाइल वाला है, बेंजाइल वाला है, डाई फिनाइल मिथाइल वाला है, ओके? तो इससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा एनिलिक हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना, ओके बच्चों? और इससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बोलो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना, प्लीज लिसन टू मी। वैसे तो मेरे बच्चों को मैंने दसियों बार बेंजाइल, एलाइल और विनाइल बताए हैं, फिर भी मेरी मन नहीं मानता। फिर सुन लीजिए, सी डबल बॉन्ड सी, बोलो हाँ या ना, यही पोजीशन विनाइलिक पोजीशन होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया उसी पर अगर एच हो तो दैट इज विनाइलिक हाइड्रोजन, राइट? सामने देखिए, ये भी विनाइलिक पोजीशन है और ये भी विनाइलिक पोजीशन है, तो इनसे लगे जो एच होते हैं वो विनाइलिक एच कहलाते हैं, हाँ या ना? एलाइल, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, दिस पोजीशन इज एलिलिक पोजीशन, हाँ या ना? बेंजाइल, दिस पोजीशन इज बेंजाइलिक पोजीशन, हाँ या ना? तो इस कार्बन पर जो H लगा होगा वो बेंजाइलिक H होगा, इस कार्बन पर जो H लगे होंगे वो एलिलिक H होंगे, और इन में से कहीं पर भी H लगा होगा वो विनाइलिक H होगा। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा, लिख लो। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन हो गया बच्चों? बेंजाइलिक। उससे कम रिएक्टिव एलिलिक, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, विनाइलिक, ठीक है? ओके, बहुत ही आसान था इसको समझना,
बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, ओके। एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो मैं बाद में लिखवाऊंगा, उसके पहले मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा। क्लास नहीं है कोई, बायो क्लास नहीं है बेटा, ऑफ हो गई है, बायो का क्लास ऑफ हो गया है ना, कहीं और क्लास है, नाम नहीं है। ओके, सो गिव मी ओनली 3 मिनट, चलेगा 3 मिनट ओनली। मैंने बच्चों ये दिया, बोलो नहीं, बोलेगा नहीं कोई, बस मुझे ये बता दो बेटा क्या ये एल्केन है? है एल्केन, देखते ही दिमाग में कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन करा रहे हो, अटैकिंग फ्री रेडिकल होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। चल भाई देख, अब मेरे भाई आपको मेजर प्रोडक्ट बताना था, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, टर्शियरी हाइड्रोजन भी है और सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, तुम बताओ अटैक ज्यादा किस पर होगा? तो मेजर प्रोडक्ट टर्शियरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे या दूसरे को? टर्शियरी को सब्स्टिट्यूट करके बनेगा। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ओके। ये क्वेश्चन बेटा एएमयू में पूछा गया, आलिया को एएमयू जाना है, है ना? आइए तो देखो बेटा, जो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है वो मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। एक पॉइंट अभी लिखवाएंगे, पहले आप आराम से करें, ठीक। अच्छा मुझे बताना, इसके पास 3 प्रकार के हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? टर्शियरी। उससे कम? उससे कम। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जो टर्शियरी एच को हटा के बनेगा? उससे कम अमाउंट में कौन सा बनेगा जो सेकेंडरी एच को हटा के बनेगा? और सबसे कम अमाउंट में कौन सा बनेगा जो प्राइमरी एच को हटाकर बनेगा? क्लियर? अगर आपको समझ में आया है तो अगला सवाल करिएगा। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया पॉइंट? हला दें इसको, देखते कितने लोग बताएंगे। चलो भाई, मैंने क्या किया, एच ए एच बी, ठीक है, और एच सी एच डी, ठीक, 4 H लगा दिए। इस कार्बन पे H लगाए, एच एच बी यहां पे हटा देते हैं क्योंकि वो सेम ही हो जाएगा, है ना, एच सी हो गया। अच्छा यहां लगा देते हैं, ठीक। तो आपको बताना ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, आपको बताना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन होगा? सब लोग बताओ, हैं? सोच लो, पक्का? आप देख सकते हैं बच्चों, इस H को हटा के जब बिंदी लगाओगे ये प्राइमरी एलिलिक है, बोलो हाँ या ना। भाई एलिलिक तो हो ही जाएगा और प्राइमरी होगा। ये वाला जो है बच्चों ये विनाइलिक है, बोलो हाँ या ना।
ये वाला जो एच बेटा है ये एलिलिक तो है ही, रिजोनेंस स्टेबलाइज तो, और साथ में टर्सरी है। बोलो क्या है? ये टर्सरी एलिलिक है और ये वाला सिंपल प्राइमरी है। बोलो हाँ या ना। जब आप इन एच को हटाकर बिंदी लगाएंगे तो ये वाली बिंदी प्राइमरी एलिलिक है, ये वाली बिंदी विनाइलिक है, ये वाली बिंदी टर्सरी एलिलिक है और ये वाली बिंदी सिंपल प्राइमरी है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्सरी एलिलिक। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एचसी। उससे कम बोलो एचबी। उससे कम बोलो एच ए नहीं यार डी एच डी। और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? एच ए। तो बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करवाता तो मेजर प्रोडक्ट किस एच को हटा के बनाते? जोर से बोलो एच सी। आप इसको हटा कर मेजर प्रोडक्ट को बना। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए देखिए। एक बेटा एनसीईआरटी का लाइन है, खत्म हो गया बेटा, लास्ट ईयर इतने खत्म हो गए थे। एग्जाम्पल वन क्या हो गया? खत्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल था रिएक्शन ऑफ एल्केन। अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के बात करूं तो बेटा सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ाए हैं। देखना सब, सुनना प्लीज। पॉइंट वन, कैसे पहचानोगे कौन सी रिएक्शन है? अगर रिएक्टेंट के पर फ्री रेडिकल नहीं है, प्रोडक्ट में है इनिशिएशन, बोला करो दोनों में है, और रिएक्टेंट में है प्रोडक्ट में नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलना, हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे कम, इसीलिए मेनली कराते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। फ्लोरो एल्केन और आयडो एल्केन को स्पेशल मेथड से बनाते हैं। और लास्ट लास्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक एलिलिक टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। बच्चों क्या ये ऑर्डर आप याद कर रहे हैं? नहीं। क्या ये हिल क्यों रहे हैं भाई? जिस एच को हटाने पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो वाला एच सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। खत्म हो गया। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखा कमाऊ और बदमाश। क्लियर था? एक मिनट, यहां पर बेटा एक एनसीईआरटी का पॉइंट है। यहां फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आ सकता है आपके नीट में। क्या छोटी सी बात, सीमित सुन लो। तुमने देखा फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन तो कराते नहीं है, हटाओ हटाओ इनको, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन हम करवाते हैं आराम से, और एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड दोनों बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। ऐसा बोला जाता है कि हम लोग क्लोरीनेशन से भी ज्यादा प्रेफर करते हैं ब्रोमीनेशन। ये कौन सा लफड़ा है? सुनना बच्चों, ध्यान देना प्लीज। एक शब्द होता है रिएक्टिविटी, कि भाई क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है, और एक शब्द बच्चा होता है सेलेक्टिविटी। क्या होता है? क्या होता है? प्लीज ये सामने देखिएगा बस एक मिनट के। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम आपको इसी का एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन का एग्जांपल दे दें, समझिएगा मेरी बात, समझो मेरी बात। देखिए तुमने कहा कि दिस टर्शियरी हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव फॉर सब्स्टिट्यूशन, बोलो हाँ या ना। तुमने यही बोला कि कभी भी हैलोजिनेशन कराओगे तो यही वाला एच हटेगा और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, टर्शियरी वाले हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है, और प्राइमरी वाले की रिएक्टिविटी बहुत कम है और संख्या बहुत है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के साथ साथ उसके नंबर पर भी डिपेंड करने लगता है।
इसे कहते हैं सेलेक्टिविटी। जो क्लोरीन होता है ये हाईली रिएक्टिव है, और जो चीज हाईली रिएक्टिव होती है बच्चों वो लेस सेलेक्टिव होती है। मतलब हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये लेस सेलेक्टिव होता है और ये प्राइमरी पर भी अटैक करता है और टर्सरी पर भी अटैक करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइमरी वाले एच हटने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर बहुत ज्यादा है और इसकी सेलेक्टिविटी है। हमें मतलब ही नहीं कि तुम ज्यादा रिएक्टिव हो या तुम ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि आई एम हाईली रिएक्टिव, हमें तुम्हारी रिएक्टिविटी से मतलब ही नहीं है। लेकिन ब्रोमीन, ब्रोमीन रिएक्टिविटी कम, जब ये रिएक्टिव कम हो गया तो इसको हाईली रिएक्टिव चाहिए, मतलब दिस इज सेलेक्टिव। ये अब उसी एच पर मेनली अटैक करेगा जिसकी रिएक्टिविटी बहुत तेज है। तो अगर बच्चों तुम इसमें क्लोरीन डालोगे तो टर्सरी वाला हो सकता है कम बने और प्राइमरी वाला ज्यादा बन जाए, क्योंकि ब्रोमीन डालोगे ना तो गारंटी है टर्सरी वाला ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस सेलेक्टिव होता है और जो लेस रिएक्टिव होता है वो हाईली सेलेक्टिव होता है। इसीलिए एक लाइन लिखी हुई है कि हम लोग बच्चों एल्किल ब्रोमाइड बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं ना कि एल्किल क्लोराइड। अगर तुमने आइसोब्यूटेन पर ब्रोमीन डाला हम डंके की चोट पर कहेंगे ये वाला एच ही हटेगा, पक्का मेजर बनेगा। लेकिन क्लोरीन डालने पर भैया हमें निकालना पड़ता है कि ये वाला मेजर होगा या ये वाला मेजर, वो अलग बात है। आपके पेपर में भैया आ जाए तो आप उसी को मेजर बताइएगा, वो अलग बात है। कि हम आपको सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के मूड में नहीं है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? तो क्या मैं एक पॉइंट आपको ये समझ में आया कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव सो लेस सिलेक्टिव। तुम ज्यादा रिएक्टिव होगी तुम हमें मतलब सब पे अटैक करेंगे। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव सो ये उसी पर अटैक करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए ब्रोमिनेशन इज प्रिफर ओवर क्लोरीन। अगर ये सवाल आ जाए तो आप बता दोगे? सवाल आ गया, ब्रोमिनेशन इज प्रिफर्ड ओवर क्लोरीनेशन बिकॉज, हिंदी बोलो, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव सो लेस सेलेक्टिव। इसे रिएक्टिविटी से फर्क है, ये सब हाइड्रोजन पे अटैक करता है। एंड ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव सो मोर सेलेक्टिव, ये उसी एच पर सब्स्टिट्यूशन करता है जो हाईली रिएक्टिव होता। तो प्लीज लिखिए, मैं लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं, लिखिए। क्लोरीन इज, बच्चों मैंने फ्लोरीन और आयोडीन को तो पिक्चर से हटा दिया, बात चल रही है क्लोरीन और ब्रोमीन की। एक बोर्ड पॉइंट लिखिए, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव सो लेस सेलेक्टिव। बट ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव सो मोर सेलेक्टिव। हेंस टू प्रिपेयर, हेंस टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड, हेंस टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड ब्रोमिनेशन इज प्रिफर्ड रेदर देन क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन इज प्रिफर्ड रेदर देन क्लोरीनेशन। ओके ठीक है, चलिए तो पहला एग्जांपल क्या हो गया, खत्म। कल बच्चों आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन का सबसे भयानक वाला पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बड़ा अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है।
नहीं किया, वो हाँ सर ये हाथ पकड़ किया है।